हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है एंटीना अपर्चर। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम सारे टाइप के एंटीना अपर्चर के बारे में जानने वाले हैं। और हम स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ एंटीना अपर्चर। पहली बात तो एंटीना अपर्चर होता क्या है। एंटीना अपर्चर नाम से पता लग रहा है, अपर्चर का मतलब कि कुछ ना कुछ इसका रिलेशन है एरिया से। तो एंटीना अपर्चर का कुछ ना कुछ रिलेशन है एंटीना के एरिया से। अब कौन से एंटीना का, पहली बात तो हमारे पास दो टाइप के एंटीना होते हैं, ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना। जब भी मैं एंटीना अपर्चर की बात कर रही हूँ, मतलब मैं रिसीविंग एंटीना की बात कर रही हूँ। ये बात तो समझ आ गई है, ठीक है। रिसीविंग एंटीना की बात किस टाइप में कर रही हूँ, जब भी हमारे रिसीविंग एंटीना के ऊपर वेव्स फॉल कर रही होती हैं। रिसीविंग एंटीना का काम क्या होता है, जो वेव्स आ रही हैं उससे उसको कुछ वोल्टेज जनरेट करना है, इंड्यूस करनी है वोल्टेज द हेल्प ऑफ द वेव्स दैट आर फॉलिंग ऑन इट। रेडिएशन से वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये एंटीना का काम है। तो ये हमें क्या बता रहा है, एंटीना अपर्चर एक फिनोमिना है जो हमें बताता है कि पावर कैप्चरिंग कैपेसिटी क्या है एंटीना की। अगर मेरे पास सेम पावर है स्पेस में जो फॉल कर रही है डिफरेंट एंटीनास पे, चार या पांच टाइप के अलग अलग एंटीना रखे हुए हैं स्पेस में और उसके ऊपर सबके ऊपर सेम पावर फॉल कर रही है, तो सबके सब सेम तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे, सबके सब सेम टाइप से ईएमएफ जनरेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो ईएमएफ जनरेशन का तरीका है, ये किस टाइप पे, किस पैरामीटर पे रिलेटेड होता है। सो ये एक पैरामीटर एंटीना अपर्चर पे भी रिलेटेड होता है। तो एंटीना अपर्चर हमें क्या बता रहा है, ये एक मेजर बता रहा है कि पावर को कितना कैप्चर कर रहा है एंटीना। अगर मुझे दो एंटीना को कंपेयर करना हुआ कि कौन सा एंटीना ज़्यादा पावर कैप्चर करेगा, तो मैं उसका एंटीना अपर्चर देखूंगी। अब आपको समझ आ चुका होगा, ये एक एरिया से रिलेटेड टर्म है जो हमें बता रही है कि पावर कैप्चरिंग कैपेसिटी क्या है एंटीना की, जब वेव उसके ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है। तो अब हम एक एंटीना के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा एक हॉर्न एंटीना है। अब आपको ये नहीं पता होगा हॉर्न एंटीना क्या है। हॉर्न एंटीना के बारे में हम एक लेटर सेक्शन में, एक लेटर वीडियो में बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ एक पिक्चर बना लो अपने माइंड में कि एक हॉर्न एंटीना है। इसकी लेंथ ले लेते हैं, ये हाइट है, इसको बी ले लेते हैं, लेंथ को ए ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हुआ, जो भी इसका माउथ है, ये इसका माउथ है, इसका एरिया क्या हुआ, ए इंटू बी, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हुआ, ए इंटू बी। तो अपर्चर किससे रिलेटेड रहेगा, ए इंटू बी से इस केस में। अब ये जो एंटीना है, इसमें हमारे पास साइड वॉल्स है, ये जो वॉल है और इसके ऑपोजिट साइड में भी एक और वॉल होगी, ये दोनों वॉल्स हमारी साइड वॉल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पैरामीटर हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल अपर्चर। अपर्चर के बहुत सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं, फिजिकल अपर्चर, इफेक्टिव अपर्चर, कैप्चर अपर्चर, लॉस अपर्चर और स्कैटरिंग अपर्चर। ये सारे अपर्चर पढ़ने वाले हैं। तो पहला फिजिकल अपर्चर, फिजिकल अपर्चर हमें क्या देता है, ये एक्चुअल एरिया ऑफ ओपनिंग देता है, ठीक है। तो ये एक पैरामीटर है जो हमें बताता है कि एक्चुअल एरिया क्या है ओपनिंग का। तो एक्चुअल एरिया किस किस टर्म्स में रिलेटेड रहेगा, ये जो सारी वॉल्स हैं इस एंटीना की, ये जो चार वॉल्स रहेंगी, ये चार वॉल्स हमें देंगी एंटीना का ओपनिंग एरिया कितना है, ठीक है। तो जो एंटीना का ओपनिंग एरिया होगा वो हमें दे रहा है फिजिकल अपर्चर, ठीक है। तो अब कैसे पावर से कोई भी ईएमएफ जनरेट होती है, ये हमारी डायरेक्शन ऑफ वेव है। मैंने क्या कहा था, वेव फॉल कर रही है एंटीना के ऊपर, ये हमारी डायरेक्शन ऑफ वेव है। अगर मैं वेव के बारे में याद करूँ, तो वेव ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विच मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ वेव के। तो अगर डायरेक्शन ऑफ वेव ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और वेव इस टाइप से इस एंटीना के ऊपर फॉल कर रही है। अब जो पावर जनरेट होगी, इस जो वेव की पावर ले लेते हैं, डब्ल्यू आई ले लिया, इस वेव की पावर डेंसिटी, द पावर डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव इज डब्ल्यू आई। तो हम फिजिकल अपर्चर की टर्म्स में पावर को कैसे रिलेट कर सकते हैं, जो भी पावर जनरेट हुई है विद द हेल्प ऑफ दिस फिजिकल अपर्चर, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डब्ल्यू आई पावर डेंसिटी, विच इज इंसिडेंट पावर डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद
अपर्चर एरिया, फिजिकल अपर्चर एरिया, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी दोनों चीज़ें अभी तक हमने सीखी हैं, एक है इंसिडेंट पावर डेंसिटी, एक है अपर्चर एरिया विच इज़ फिजिकल अपर्चर एरिया, जो कि एक्चुअल अपर्चर एरिया रहता है। प्रैक्टिकली ये अपर्चर एरिया नहीं होगा हमारा, ये हमारा सिर्फ आइडियल अपर्चर एरिया हम सोच रहे हैं कि जितनी भी वॉल्स हैं सारी वॉल्स ही हमारी ईएमएफ इंड्यूस करने वाली हैं, इन सारी वॉल्स की वजह से कुछ लॉसेस नहीं होंगे, बट एक्चुअली हम देखते हैं कि बहुत सारे लॉसेस भी रहते हैं। तो फिजिकल अपर्चर इज़ द मैक्सिमम ऑफ अपर्चर विच इज़ जनरेटिंग द मैक्सिमम ऑफ पावर। तो अब आ जाते हैं इफेक्टिव अपर्चर के ऊपर। इफेक्टिव अपर्चर नाम से पता लग रहा है कि फिजिकल अपर्चर एक अगर आइडियलिस्टिक क्वांटिटी है तो इफेक्टिव अपर्चर एक एक्चुअल क्वांटिटी है, इट इज़ द प्रैक्टिकल क्वांटिटी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इफेक्टिव अपर्चर से भी जो पावर जनरेट हो रही है उसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंसिडेंट पावर डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। पावर डेंसिटी क्या होता है, क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई से, पावर डेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अगर हम इंसिडेंट पावर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पावर मिल जाएगा, तो यही लिखा है मैंने, इंसिडेंट पावर डेंसिटी मल्टीप्लाइड विथ इफेक्टिव एरिया। तो यहाँ पर हम पूरा एरिया नहीं ले रहे हैं, जो भी फिजिकल एरिया था सारी वॉल्स का वो नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, इफेक्टिव एरिया लेंगे। इफेक्टिव एरिया क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो वॉल्स हैं साइड वॉल्स हैं, साइड वॉल्स पर आइडियली जीरो ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, साइड वॉल में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होना चाहिए। साइड वॉल में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो विच मीन्स लॉसेज हो रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, यहाँ पर जीरो ईएमएफ नहीं रहता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव अपर्चर एरिया प्रैक्टिकल अपर्चर एरिया से कम हो जाता है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफेक्टिव अपर्चर एरिया को, एक फॉर्मूला है, इफेक्टिव अपर्चर एरिया जो भी अवेलेबल पावर है एंटीना के टर्मिनल पे, अब जो एंटीना के टर्मिनल पे जो पावर आई है डिवाइडेड बाय इंसिडेंट पावर डेंसिटी, तो इससे हमें इफेक्टिव अपर्चर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इफेक्टिव अपर्चर का। अब इसी को ही फॉर्मूले में ये जो ए ही है इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें पावर मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी डब्ल्यू आई एंड डब्ल्यू आई विल कैंसिल आउट, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पावर किसके इक्वल हो जाएगा, अवेलेबल पावर एट एंटीना टर्मिनल्स। तो यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि कुछ लॉसेस भी हैं, ये प्रैक्टिकल क्वांटिटी है। अब आ जाते हैं स्कैटरिंग अपर्चर पे। स्कैटरिंग अपर्चर क्या होता है, जब भी ये वेव फॉल कर रही है, कुछ इंसिडेंट पावर फॉल कर रही है एंटीना पे, यहाँ पर हमारे पास एंटीना के एजेस हैं, तो ये वेव जैसे ही एजेस पे फॉल करेगी यहाँ से स्कैटरिंग होने लग जाएगी। स्कैटरिंग मींस जब भी वेव किसी एज को टच करती है वो वहाँ से स्प्रेड हो जाती है। तो यहाँ पर वेव आ रही है, वेव आ रही है यहाँ पर एज को टच करती है, स्प्रेड हो जाती है। तो क्या हो रहा है, जो हमारा रिसीविंग एंटीना है ये भी रेडिएट करने लग गया है। अब यहाँ पे कोई एंटीना रखा होगा तो उसको भी यहाँ से रेडिएशन मिल रही है, तो ये तो गलत हो रहा है। जो हमारा रिसीविंग एंटीना है उसे रेडिएट नहीं करना चाहिए, उसे कैप्चर करना चाहिए, बस ये क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। तो ये हमारे को पावर रेडिएशन और स्कैटर्ड पावर की टर्म्स में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्कैटरिंग अपर्चर क्या होता है। तो जो भी हमारा स्कैटरिंग पावर होगा हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पर जो वेव्स आई हैं बस उसको मेजर करना है, उनकी पावर को मेजर करना है, जो रेडिएटेड पावर है या जो स्कैटर्ड पावर है, दोनों का मतलब एक ही है, यहाँ से एजेस पर आकर वो रेडिएट हो रही है या स्कैटर हो रही है, उसको हम अगर इंसिडेंट पावर डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमें स्कैटरिंग अपर्चर मिल जाएगा। आपको अब समझ आ चुका होगा स्कैटरिंग अपर्चर क्या होता है। अब आ जाते हैं लॉस अपर्चर पे। लॉस अपर्चर क्या होता है, लॉस अपर्चर मतलब जो भी पावर हमारे पास लॉस हुई है, किस टर्म्स में लॉस हुई है, जब भी वेव फॉल करती है तो यह एंटीना हीट अप भी हो जाता है, तो ये हीट अप होने के लिए इसी वेव की पावर जो है वो यूज़ हो रही है, जो वेव की पावर हीट में कन्वर्ट हो रही है और ये लॉस हो रही है एनवायरनमेंट में। तो हमारे को क्या करना था, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करना था, ईएमएफ जनरेट करना था, बट क्या हुआ, ये पावर तो लॉस हो गई, उससे ईएमएफ तो जनरेट होगा नहीं, तो उसकी वजह से हमारे पास लॉसेज होते हैं, उस लॉसेज हम कैलकुलेट करते हैं लॉस अपर्चर की टर्म में। तो लॉस अपर्चर हो जाता है एल
विच इज पावर लॉस एज हीट और अपॉन डब्ल्यू आई इंसिडेंट पावर डेंसिटी. अब आ जाते हैं कैप्चर अपर्चर पे. कैप्चर अपर्चर होता है एक्चुअली जो अपर्चर जो हमारे पास अवेलेबल है टू कैप्चर द वेव. अभी इतने सारे टाइप के अपर्चर पढ़ लिए तो इन सब में से हमें एक फाइनल अपर्चर निकालना है कि जिससे हमें पता लगे कि एक्चुअली में कैप्चर क्या हुआ, कितनी वेव को इसने कैप्चर कर लिया, ठीक है, और कितनी लॉसेज हुई, कितना फिजिकल अपर्चर जो था हमारा यहाँ पर एडी करेंट्स जनरेट हुए साइड वॉल पर, साइड वॉल पे जिसकी वजह से जीरो ईएमएफ नहीं रहा. तो इन सब की वजह से जो लॉसेज रह रहे हैं तो उन सबको कंप्यूट कर टोटल कैलकुलेट कर जो भी आउटपुट अपर्चर आता है वो हमारा कैप्चर अपर्चर होता है. तो कैप्चर अपर्चर के लिए हमारे पास क्या रहेगा, ए सी इज इक्वल टू पी सी अपॉन डब्ल्यू आई, ठीक है. तो जो भी हमारे पास कैप्चर्ड पावर है उसे इंसिडेंट पावर डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं. अब कैप्चर अपर्चर क्या होगा, इफेक्टिव अपर्चर. इफेक्टिव अपर्चर क्यों आ रहा था, एडी करेंट्स जनरेट हो रहे थे साइड वॉल पर, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर जीरो ईएमएफ नहीं था, यहाँ पर भी ईएमएफ की वजह से कुछ लॉसेज हो रहे थे. अब वॉल्स पे ही ईएमएफ जनरेट हो गया है. हम क्या करना चाहते थे, हम इस डायरेक्शन इस वेव की वजह से हम इसके अंदर ईएमएफ भेजना चाहते थे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई डिवाइस लगा होता, रिसीविंग डिवाइस, वो वर्क कर रहा होता. बट क्या हुआ, यहाँ पर तो वॉल्स पे ही जनरेट हो गया ईएमएफ जो हमारा लॉसेज है. उसके बाद स्कैटरिंग की वजह से जो लॉस हुआ और हीट की वजह से जो लॉस हुआ, ये सब चीज़ें हमें कंसीडर नहीं करनी है. तो इन सब को कंसीडर ना करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनके लॉसेज को हम कंबाइन कर लेंगे. तो जितने भी लॉसेज हैं, ए सी क्या हो जाएगा, ये प्लस स्कैटरिंग अपर्चर प्लस लॉस अपर्चर, ठीक है. तो इफेक्टिव अपर्चर, स्कैटरिंग अपर्चर, लॉस अपर्चर विल गिव मी द कैप्चर अपर्चर, ठीक है. आई होप आपको पूरा समझ आ चुका होगा. अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, लिख दीजिए अपना डाउट. और अगर आपको तब भी रिजॉल्व नहीं होता है डाउट तो आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लीजिए, यू कैन रीच आउट टू मी ईजिली. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.